मंडी जिला कांग्रेस अध्यक्ष को हटाने और कार्यकारी अध्यक्ष की तैनाती को जिला अध्यक्ष दीपक शर्मा ने सोशल मीडिया पर फैलाई गई अफवाह के रूप में करार दिया है। पत्रकारों से बात करते हुए दीपक शर्मा ने कहा कि वे आज भी मंडी जिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। उनकी नियुक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा की गई है, जबकि उन्हें हटाने का अधिकार भी पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी को ही है। मंडी जिला कांग्रेस अध्यक्ष को हटाने और कार्यकारी अध्यक्ष की तैनाती को जिला अध्यक्ष दीपक शर्मा ने सोशल मीडिया पर फैलाई गई अफवाह को करार दिया है। यहां पत्रकारों से बात करते हुए दीपक शर्मा ने कहा कि वे आज भी मंडी जिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। उनकी नियुक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा की गई है, जबकि उन्हें हटाने का अधिकार भी पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी को ही है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी में कार्यकारी अध्यक्ष नाम का कोई पद ही नहीं है। अध्यक्ष के बाद उपाध्यक्ष, महासचिव आदि के ओहदे पे हैं। दीपक शर्मा ने कहा कि उनकी नियुक्ति की अधिसूचना AICC की अधिकृत साइट पर जारी की गई है। अगर ऐसी ही अधिसूचना किसी और की है तो वे शहर पार्टी के फैसले को मानने के लिए तैयार हैं। उन्होंने इसे साजिश करार देते हुए इस बारे में पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी को मेल पर सूचित करने की भी बात कही है। दीपक शर्मा ने कहा कि कुछ लोग दीपक के प्रकाश से डरते हैं, जिसके चलते भी इस तरह की साजिशें करने लगे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले कई सालों से पार्टी का झंडा उठाकर चल रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मंडी में हम पार्टी प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने के लिए जी जान लगा रहे हैं। दीपक शर्मा ने कहा कि जिला कांग्रेस अध्यक्ष की तैनाती का अधिकार दिल्ली हाईकमान को है, जबकि कथित कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति के बारे में पत्र संगठन सचिव की ओर से जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि अगर कार्यकारी अध्यक्ष को राहुल गांधी ने नियुक्त किया है तो उनका स्वागत है। वे पार्टी के हर फैसले को मानने के लिए तैयार है, मगर सोशल मीडिया के माध्यम से माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि गलत है। कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार लोगों से संपर्क बनाए हुए हैं। हमारे आला नेताओं से लेके एक आम कांग्रेस कार्यकर्ता जो जीत है उसको सुनिश्चित करने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं, लोगों के घरों पे दस्तक दे रहे हैं और बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। जो आशीष जी का जो काफिला है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके कि युवतियों में खौफ पैदा हो गया है आशीष के नाम में। युवाओं का बहुत ज़्यादा उत्साह आशीष के प्रति है। अभी पिछले दिनों कुछ सोशल मीडिया द्वारा ये अफवाह फैलाई गई, मैं तो कहूँगा अफवाह है जब तक उसकी कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं होती। उसमें अफवाह फैलाई गई कि जिला अध्यक्ष को हटाया गया, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो जिला अध्यक्ष की जो हमारी जो कांग्रेस की जो प्रक्रिया है उसमें जिला अध्यक्ष की नियुक्ति का जो क्षेत्राधिकार है वो दिल्ली AICC ऑफिस को है, हमारे राहुल गांधी जी को है जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है। अगर ऐसी कोई नियुक्तियाँ इस ऐसे स्तर पे किसी सेक्रेटरी द्वारा या किसी द्वारा होती है तो उसके बारे में हम इन नियुक्तियों को अवैध मानते हैं। ऐसी नियुक्तियाँ नहीं करनी चाहिए।